नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और आटे को मिला के बर्फी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 10 मिनट लगते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है ये, और आधा कप बेसन। अब इसको हम भून लेंगे। जैसे आप लड्डू बनाते हैं और लड्डुओं का आटा भुना जाता है, तो उसी तरह से ये आटा भुनेगा। हल्का ब्राउन कलर आ जाना चाहिए इसके अंदर। अब आटे में हमारा जो है कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। ये जो मलाई है ये 1.5 कप डाल रही हूँ मैं इसमें। पहले 1 कप डालेंगे, उसके बाद आधा कप मलाई और यूज़ करेंगे। पहले 1 कप जो मलाई डाली है उसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप मलाई ना डालना चाहें तो दूध और घी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप मलाई और डालेंगे। अब हमने जो सेकना है इसको तब तक सेकना है जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये 1 कप चीनी डाली है मैंने पीसी हुई। आप चीनी भी डाल सकते हैं पीस के और बूरा भी डाल सकते हैं। आधा आधा कप दो बार डालिए तो 1 कप चीनी है ये। मलाई डालने से 2 फायदे होते हैं। एक तो इसमें खोए का टेक्सचर आ जाता है, और इसमें मलाई जब हम गर्म करते हैं तो घी निकलता है उसमें से, तो खोया और घी दोनों ही मलाई डालने से आ जाते हैं। इलायची पाउडर डाला है इसमें। अब हम इसमें डाल रहे हैं बादाम। बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट में कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब इसको इतना भून लीजिएगा कि इसमें घी निकलने लग जाए। अब एक थाली को हमने ग्रीस किया है, घी लगाया है, और इसको जो हमने अपना बैटर तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि हम इसे जमा सकें और इसकी बर्फी काट सकें। अब ये देखिए, हम इतनी थिक है ये जमाई है हमने इस तरह से, तो हम इसकी बर्फी काटेंगे। और ऊपर से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं तो आप ऐसे पलटे से इसको चिकना कर लीजिएगा ऊपर से, ताकि जो हमारी बर्फी है वो अच्छी शेप में कट सके। ऊपर से आप बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी आप लगा सकते हैं। गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं कुछ भी। हल्का सा इसको मैंने ठंडा होने दिया है, मुश्किल से 5 मिनट रखा है बाहर रूम टेम्परेचर में, पंखे की हवा में। उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब आधे घंटे बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है इसे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे बर्फी की शेप में। ये देखिए, इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगी। और जो इसमें आटे में बेसन का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे बनाइएगा। बनाने में टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो आटे और बेसन की बर्फी हमारी बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है।